सिस्टम से ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे वायरस एंटर करेगा उसने लंग्स में जाना है, और लंग्स के अंदर जहां पे जाकर उसने अटैक करना है, उसकी फेवरेट साइट वहां पे मौजूद है, तो डेफिनेटली वहां जाकर अटैक करेगा। तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उसकी मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, कवर करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, तो सबसे पहले वो वहां पर डैमेज करना शुरू करता है। 15 डेज जो होता है उसका वो पीरियड होता है कि जिसमें वो एंटर तो बॉडी के अंदर हो जाता है लंग्स के अंदर, बट वो अभी किसी साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। आफ्टर 15 डेज जो है वो जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो वो साइन सिम्टम्स को शो करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड करता है, जहां जहां बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर्स ACE2 प्रेजेंट है, किडनीज के अंदर, तभी तो कहते हैं किडनी फेल हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो वो फिर वहां पे जाके जो है शॉक जो है कॉज करता है, शॉक की वजह से उस पर्सन की जो है वो डेथ होती है। तो हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने कहा था, हमने डिवाइड किया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में दो मेन फेसेस होते हैं, नंबर वन इंस्पायरेशन एंड नंबर टू एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मीन क्या है, जो आप एयर को इनहेल करते हो दैट इज इंस्पायरेशन, और जब एयर को एक्सहेल करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एयर कैसे इनसाइड जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन का मीन ये होता है कि जहां पे एक चीज की एक्सेस होती है दूसरी तरफ उस चीज की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन बॉडी में क्या ज्यादा प्रेजेंट है या इन्वायरमेंट में ज्यादा प्रेजेंट है, तो इन्वायरमेंट के अंदर डेफिनेटली ज्यादा होती है, तो आपके इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन मोर क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी की तरफ वो ट्रांसफर होने लग पड़ती है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो वो भी अगेन डिफ्यूजन के प्रोसीजर पर चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, तो अगेन यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ज्यादा से जो है वो कम की साइड पे जो गैस है वो मूव करती है। बट इसमें जो मेन आपका मसल है जो इन्वॉल्व होता है, बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो लंग्स को प्रेशर देते हैं, और वो क्या करते हैं फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सहेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक मेन मसल है डेट इज कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन नंबर वन, एंड नंबर टू क्या करता है, ये सेपरेट करता है आपकी थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर को डिस्कस कर रहे थे, लंग्स के अंदर ये जो फर्दर सेगमेंट्स बने हुए थे, हमने कहा था जो राइट लंग है वो लार्ज होता है और जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर होता है। राइट लंग के अंदर बेसिकली 3 लोब्स होती हैं, 1, 2, 3, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होती है, 1 एंड 2। अब ये बेसिकली एक पूरा जो लंग है वो कैसे सेगमेंट्स में, ये लोब्स में डिवाइड होता है, इसमें क्या होते हैं फिशर्स होते हैं। राइट लंग के अंदर 2 फिशर आपको नजर आ रहे हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 1 फिशर होता है। तो अगेन अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इन फिशर्स का पर्पज क्या है। फिशर का बच्चे पर्पज ये होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो वो लंग्स के हर पार्ट तक जो है वो कम्प्लीटली रिसीव हो, क्योंकि जब ऑक्सीजन एंटर करती हो तो एपेक्स पे कम जाती है, जब उसके बाकी पार्ट्स पे फिर भी जा सकती है, तो वहां पे अगर एपेक्स तक नहीं जाएगी तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर आपको फीवर हो रहा है तो फीवर का अंडरलाइंग मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। इन्फेक्शन क्या होता है कि आपके बाहर से कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। आपको पता आपकी अपनी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक तो पता लग गया, लेकिन एंटीबॉडीज होती है, जैसे वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ये एंटर होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर की जो एंटीबॉडीज होती है उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं, और उस एंटीजन को चाहे वो बैक्टीरिया है वायरस है उसको किल कर देती हैं। इसलिए कोविड उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने का मीन क्या है कि उनके अंदर जो कुव्वत मुदाफत के लिए अंदर एंटीबॉडीज हैं वो है ही इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें, तो इसलिए फिर वायरस स्ट्रोंग होता है और वायरस जाके वहां पे अटैक कर देता है। तो लंग्स के फर्दर, राइट लंग्स में 3 लोब्स हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब।
यहाँ पे ये जो लाइन आपको नजर आ रही है फिशर है, इसके अगर शेप को देखा जाए ये क्या हॉरिजेंटल, जबकि इसका जो दूसरा फिशर है ये दूसरी लाइन है ये क्या है ओब्लिक। इट्स मीन राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं और 2 फिशर होते हैं, नंबर 1 हॉरिजेंटल फिशर एंड नंबर 2 ओब्लिक फिशर। और लोब्स कितनी होती है, 3 होती हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। जबकि लेफ्ट लंग के अंदर आप देख रहे हो सिर्फ एक ही फिशर नजर आ रहा है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है उसकी शेप क्या ओब्लिक शेप है। तो इट्स मीन लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक फिशर है ओब्लिक और 2 लोब्स होती हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। नेक्स्ट है कि ये फेरिंग्स क्या है, लेनेक्स क्या, आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल को डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है। आपका जो सबसे पहले एयर जहां से एंटर होती है उसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, ओके। सबसे पहले एयर एंटर होती है नोज से, नोज में जैसे एयर एंटर होती है तो डेफिनेटली उसके साथ फॉरन पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं सीलिया हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद जो साफ एयर होती है क्लीन एयर होती है वो आपके फेरेंक्स से गुजरती है। फेरेंक्स के 3 पार्ट्स हैं, नेजो फेरेंक्स, ओरो फेरेंक्स एंड नरेंजो फेरेंक्स। लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाता है वो फेरेंक्स का कौन सा पार्ट है, नेजो फेरेंक्स। नेजो से एयर गुजरेगी और वो आगे एंटर होती है लरेंजियो फेरेंक्स में। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आपके ये वाला जो पार्ट है वो है ओरोफेरेंक्स। जब आप फूड लेते हो तो वो ओरोफेरेंक्स से गुजरती है, जबकि एयर जो है वो नेजो फेरेंक्स से गुजरती है। बट आफ्टर दैट ये दोनों, चाहे वो एयर है, ऑक्सीजन है, ये दूसरी साइड पे फूड है, ये दोनों कहाँ से गुजरते हैं, फेरेंक्स का जो थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट का नेम है लरेंजियो फेरेंक्स। तो ये दोनों लरेंजियो फेरेंक्स से गुजरते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अच्छा फूड भी वहीं से गुजर रही है, ऑक्सीजन भी वहीं से गुजर रही है, तो फिर इसमें ये भी तो हो सकता है कि फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो एंटर हो जाए। तो इसके लिए क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, आपको नेक्स्ट इसका पार्ट नजर आया लेरिंक्स। जैसे ही फूड एंटर करती लरेंजियो फेरेंक्स में तो लेरिंक्स के ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपिगुलाटिस। वो बेसिकली कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही फूड लेरिंग्स से सॉरी फेरिंग्स से लेरिंग्स में आनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो लेरिंग्स अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, और फूड जो होती है वो फेरिंग्स से डायरेक्टली जो होती है लेरिंग्स के पीछे एक पाइप पड़ा होता है जिसे बोला जाता है इसोफेगस, जो इसोफेगस डायरेक्टली नीचे जाके आपके स्टमिक के साथ कनेक्टेड होती है। तो इस तरह फूड जो है आपके लरेंजियो फेरेंक्स से डायरेक्टली जाएगी इसोफेगस में, जबकि एयर जो है आपके लरेंजियो फेरेंक्स से एंटर होती है लेरेंक्स में। कैसे, क्योंकि जैसे ही फूड इसोफेगस में जानी होती है तो लेरेंक्स के ऊपर जो लिड है या जो कार्टिलेज है जिसे एपिग्लॉटिस बोला वो क्लोज हो जाता है। और दूसरी चीज अक्सर क्या होता है कि अगर कोई भी बेहोश होता है, ठीक है, उसको कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है या अक्सर घर में कोई बेहोश भी हो जाता है, तो सबसे पहले मिस्टेक क्या की जाती है कि अनकॉन्शियसली जो वो पर्सन है उसको पानी दिया जाता है, जबकि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है कि उस वक्त उस पेशेंट के या उस पर्सन के जो मसल्स हैं वो उसके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। अब उसमें क्या होगा, उसमें आप जो उसको पानी दे रहे हो या कोई भी चीज़ माउथ से देते हो तो वो जाए इसके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, उसके एसोफेगस से स्टमिक में जाए, वो क्या करता है, तो वो जो लेरिंक्स आपका नॉर्मली क्या होता है वो लिड क्लोज होना होता है। अब उस वक्त पेशेंट क्योंकि अनकॉन्शियस है, फेड अप हो चुका है, उसको तो आइडिया ही नहीं है, उसमें क्या होगा उसकी वो जो आप फूड दे रहे हो या वाटर दे रहे हो वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है, और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो वहां पर जाके इन्फेक्शन कर सकता है। इन्फेक्शन की वजह से जो निमोनिया होता है उसको हम बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया, और एस्पायरेशन निमोनिया से उस पर्सन की जो है वो डेथ हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी पर्सन आपको बेहोश मिले, अनकॉन्शियस मिले, तो कभी भी उसके माउथ से कोई चीज उसको नहीं दे। नंबर 2, अक्सर आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट्स होते हैं या रोड पे कोई भी आपको पर्सन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द क्राउड बनाते हैं। क्राउड ऑलरेडी वो पर्सन जो है अनकॉन्शियस है, वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहा, दूसरा लोग क्या करते हैं उसके इर्द गिर्द क्राउड बना रहे हैं। जब क्राउड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी ऑक्सीजन यूज करेंगे, उस पेशेंट के लिए, उस पर्सन के लिए फर्दर
ऑक्सीजन को इनहेल करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये अवॉइडेंस करने की इर्द गिर्द क्राउड ना बनाए, नंबर वन। नंबर टू प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि कभी भी उस पर्सन को मूव नहीं करें। उदाहरण हादसा, अगर वो बाइक से गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वट एवर, तो बड़ा इजी चांस होता है कि उसका कोई भी बोन का फ्रैक्चर हुआ हो। अब हमें नहीं पता कि उस पर्सन की किस बोन का फ्रैक्चर है या उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। लोग क्या करते हैं कि उसको हाथों से पकड़ा, पाँव से पकड़ा है, वो तो बेसिकली सेफ्टी के लिए कर रहे होते हैं ना, कि रोड पे पड़ा कि हो सकता है और चीज, उदाहरण हादसा, ऊपर से ना गुजरे कुछ और ना, वो उठा के क्या करते हैं, रोड के साइड पे लेके जाते हैं, जबकि ये नहीं करना। उसकी रीजन क्या होती है कि जब लोग हाथों और पाँव से उसको उठा रहे होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो आपकी जो बैक पे रीढ़ की हड्डी है, ये जिसे वर्टिब्रास बोला जाता है, वर्टिब्रास के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। वो स्पाइनल कॉर्ड अगर उदाहरण हादसा वर्टिब्रा टूटा हो, रीढ़ की हड्डी टूटी हो, तो स्पाइनल कॉर्ड को पिंच करेगा। पिंच करने की वजह से अगर वो नेक के लेवल पर डैमेज करता है ना, तो पूरी जो आपकी लोअर बॉडी है उसका क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मजूर हो सकता है। लेकिन अगर वो लंबर लेवल का डैमेज है, उस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, तो दोनों जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको वो डैमेज कर सकता है या पैरालिसिस कर सकता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, नंबर वन कि आप जो है कोई भी चीज माउथ से ना दें, नंबर टू उस पर्सन को मूव ना करें। वो फिर 112 आती है, उनके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिससे उस पर्सन को मूव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा थोड़ी सी इनकी डिटेल डिस्कस की है कि लेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया। फेरिंग्स के पास जो हमारे पास लेरिंग्स और ट्रेके, ये बेसिकली दोनों चीजें किससे मिलकर बनी होती है, आपके कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन कार्टिलेज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इसलिए आपको उसके नेम की डिटेल करने की जरूरत नहीं है। लेरिंग्स आ जाएगा, लेरिंग्स का जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका पार्ट होता है उसे ट्रेकिया बोलते हैं। और ट्रेकिया जब C5 के लेवल, वर्टिब्रा के लेवल पे पहुंचता है, तो ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड वाली जो ब्रांच होगी राइट लंग का है, जिसे बोलेंगे वो राइट लंग के अंदर एंटर हो जाएगी, और लेफ्ट ब्रोंकाई जो होगा वो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर हो जाता है। और ब्रोंकाई अगर फर्दर ब्रांचेस है तो उसे ब्रोंकियोज बोलते हैं, और ब्रोंकियोज के लास्ट जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बोलते हैं एल्वियोलाय। और एल्वियोलाय वो पॉइंट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूरी सर्कुलेशन सिस्टम समझाया था, पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली एल्वियोलाय, एल्वियोलाय को वो आर्टरी सराउंड कर रही है, आर्टरीज और वेन्स, और इस तरह एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है, और ब्लड क्लियर होके हार्ट के पास, और हार्ट से फिर एओर्टा के थ्रू आर्टरीज, और आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है।